बहुजन आघाडीचा विजय असो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, आरोग्य हृदय बाळासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, हृदय बाळासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। अरे हामिद भाईला न्याय राज पाहिजे, एकच न्याय वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, हृदय बाळासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। आज वंचित बहुजन आघाड़ी उदगीर शहर के अंदर तहसील के सामने आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से धरना आंदोलन लगाया गया है। धरना आंदोलन लगाने का मकसद ये है, हमारे डिग्रेस के अंदर हमारे जिला उपाध्यक्ष हमीद शेख साहब के घर को तोड़ा गया, जो गहरान जमीन बोलकर तोड़ा गया, मगर वहाँ पे डिग्रेस के अंदर 80 से 90 घर ऐसे हैं जहाँ पर गहरान ज़मीन पर बैठे हुए, मगर हमीद शेख को टारगेट किया गया। टारगेट करने की वजह ये है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन में इन्होंने ज़ोरदार फाइट किया है और 624 वोट लेकर 20 साल के कैंडिडेट को वहाँ पे गिराया है। वो आपसी दुश्मनी की वजह से वहाँ के सरपंच ने और सरपंच के कुछ गाँव के लोगों को लेकर वहाँ पे डिग्रेस पे आकर घर को तोड़ा गया। जो घर 12 साल 13 साल से वहाँ पे मौजूद था वो घर को तोड़ा गया व्यक्ति को लेकर हम सरपंच के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने वाले हैं। सरपंच को अरेस्ट करना और सरपंच को वहाँ पे जो नुकसान हुआ है वहाँ पर आकर वो जो ईंट उठा के लेके गए, जो सामान उठा के लेके गए, उसकी भरपाई करना और उसके ऊपर केस बुक करना, ये वंचित बहुजन आघाड़ी की हमारी मांगनी है। फुले शाहू आंबेडकर राज्यामध्ये वंचित बहुजन पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष आणि पत्रकार क्षेत्रामध्ये काम करत असलेल्या कार्यकर्त्यावर डिग्रस ह्या गावामध्ये मनुवाद सरपंच, जातीवाद पर सरपंच, एक मुस्लिम समाजाचं घर उद्ध्वस्त करण्याचं काम त्या सरपंचानं तिथल्या ग्रामसेवकांना केल्यामुळे राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचच्या वतीने त्या सरपंचाचा जाहीर निषेध करतो आणि डिप्टी साहेब आणि तहसीलदार साहेबांना मी विनंती करतो की 2-3 दिवसांमध्ये ह्या ग्रामसेवकाला सस्पेंड करून तिथल्या सरपंचावर रितसर कारवाई करून हमीद भाई यांचं जे नुकसान झालं ह्या ग्रामपंचायतनं, तहसीलनं आणि ह्या सरकारनं 4-5 दिवसांमध्ये झालेलं नुकसान आणि त्यांना जागा मिळवून देण्याचं काम ह्या ग्रामसेवकांना आणि ह्या कलेक्टर साहेबांना करावं हे विनंती करतो, नाही तर 4-5 दिवसांमध्ये ह्याचे परिणाम लातूर जिल्ह्यामध्ये घडून येतील। तहसील कार्यालय के सामने उदगीर तालुके के अंदर हम एक धरने आंदोलन रखा गया है जो एक दिन के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से, जो हमारे हमीद भाई जो है उनको डिग्रेस के अंदर उनको नाइंसाफ़ी हुई उनके ऊपर और उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसलिए हम MIM पार्टी के तरफ से उनको पूरा बहुमत से पाठिंबा दे रहे हैं और इस आंदोलन को सक्सेस करने के लिए और इस आंदोलन को हम पाठिंबा दे के और हमीद भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। सत्तेतले लोक जर घेत असतील तर आम्हाला मानव हितासाठी लातूर बंदाचं आवाहन करावं लागलं तर आम्ही शासकीय तुमच्या पातळीवर न्याय भूमिका त्यांना भेटावी म्हणून आम्ही सर्व सभासद पदाधिकारी आणि तुमच्या कार्यालयासाठी हे निदर्शन ठेवलेलं आहे। तर यांना हमीद भाईला तत्काळ न्याय देण्यात यावा। हमीद भाईचे जे कच्चे साधन होतं घर बांधायचं ते टोटल त्याची 2.5 टीप आहे, तो सदर व्यक्ती म्हणतो मी स्वतः घर पाडलोय, त्याचं सामान मी स्वतः उचलून येईल, म्हणजे हा एक